हेलो लेन 55 नहीं मतलब वो नक्कड़ी डैन शर्लिन जो है उसके पास कोई पैसे नहीं है, वो तो कंगाल है, लेकिन उसके ऊपर जिसका हाथ है ना, वो बागड़ बिल्ला पृथ्वी मल्होत्रा, वो बड़ा माला माल है, उसके पास बहुत पैसे है। अगर उसने शर्लिन को पैसे दे दिए तो हम शर्लिन से उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कैसे करवाएंगे? हाँ कैसे करवाएंगे? हमें एक एक चीज सोच समझ के करनी होगी, इस बार हमारा प्लान फेल नहीं हो सकता है। नहीं होगा फेल, क्योंकि ये प्लान स्टार्ट टू एंड मैंने बनाया है और मैंने एक एक स्टेप बहुत सोच के प्लान किया है। बाकी तो हम कुछ भी करेंगे तो उसमें रिस्क है, इतना रिस्क तो हमें उठाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बाकी जो पैसों की बात कह रही है, आई एम श्योर पृथ्वी के पास इतने पैसे नहीं होंगे, हम एक बड़ा अमाउंट मांगेंगे, वो पर्सनली पे नहीं कर पाएगा, कंपनी के अकाउंट से लेने की कोशिश करेगा लेकिन उसे मिलेंगे नहीं। इससे पहले भी वो कंपनी से एक बड़ा अमाउंट विड्रॉ करने की कोशिश कर चुका है, उसे नहीं मिला था, और अब तो कंपनी से कोई एक रुपया भी नहीं निकाल सकता मेरे साइन हुए बगैर। तो पृथ्वी ये पैसे नहीं दे पाएगा और शर्लिन जब पृथ्वी से पैसे मांगेगी तो पृथ्वी पैसे दे नहीं पाएगा, तो शर्लिन को गुस्सा आएगा, वो हरास होगी, टॉर्चर हो जाएगी, डर जाएगी और डर के मारे ऋषभ जी के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बोल देगी हमारे सामने, और हमारे कैमरास उसका ये कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे होंगे जो हम यूज करेंगे। तो ठीक है, तो फिर ये शर्लिन को कॉल कब करें? अभी अभी। बोल रहा हूँ, मैंने ना वो उस आदमी का फोन छुड़ाया है, मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा था, इसलिए पता नहीं कहाँ खो दिया मैंने। तुमने कहा था ना कि पुलिस को कॉल करने के लिए, मैं पुलिस को कॉल नहीं कर पाई, कर एक्चुअली इसलिए मैं तुमको कॉल कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम पे ज्यादा विश्वास है। तुम रोना बंद करो, तुम मुझे ये बता तुम हो कहाँ? करें मुझे नहीं पता कहाँ हूँ, देख के लग रहा है कि ये कोई वेयरहाउस। प्लीज कर, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज कुछ बचा लो। नहीं नताशा, एक सेकंड रोना बंद करो, 5 मिनट पहले तुम्हारी मुझसे बात हुई थी राइट, इसका मतलब तुम कहीं आसपास ही हो। ठीक है कर, सुनो वो वाली वापस, मैं फोन कट कर रही हूं, प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। ठीक है मैं डोंट वरी, तुम जहां भी हो मैं तुम्हें बचा लूंगा। शर्लिन को फोन करने से पहले तेरे फोन में कुछ पॉइंट्स नोट कर लेती हूँ ताकि जब उससे बात कर रही हूँ तो कोई कंफ्यूजन ना हो किसी बारे में, मुझे यू नो तुम्हें ना देखना पड़े और वो हमारा झूठ भी पकड़ ना पाए। ऑलराइट, तो फर्स्ट पॉइंट इज नाम क्या है? शर्लिन नहीं, मेरा नाम क्या होगा, वो जो लुक चेंज करूंगी उस इंसान का नाम क्या होगा? लड़के का नाम बोलो ना। हाँ रॉकी, रॉकी। हाँ ठीक है रॉकी, ठीक है। हाँ रॉकी ठीक लग रहा है, रॉकी बन के मैं शर्लिन को कहूंगी कि मैं वही हूँ जिसने उसके कमरे में खिड़की के थ्रू वो पैकेट फेंका था और मैं कोई छोटी मोटी गुंडी, छोटा मोटा गुंडा हूँ। आई थिंक दिस साउंड्स राइट। या ओके, ये वर्क कर रहा है। चलो शर्लिन को फोन कर, यही कर लो ना भाभी, काम बाहर क्यों जा रहे हो? अरे यहाँ कैसे फोन करेंगे? क्यों? जब हम शर्लिन को फोन करेंगे तो हमें शर्लिन दिखनी चाहिए ताकि हमें पता लगे कि हमारी बातों का उस पर असर क्या हो रहा है, उसके एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाएगा कि वो हमें सीरियसली ले भी रही है या उसे लग रहा है कि कोई पागल फोन कर रहा है, या अगर वो सच में डर रही है या नर्वस हो रही है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे कॉल का सही असर हुआ है। पॉइंट है भाभी। चलो क्यों?
प्लान okay? मैंने क्या कर दिया? ओह गॉड, अब हम क्या करेंगे? ये काम करो, इसको जल्दी से रस्सी से बांधो, जल्दी से, जल्दी इसको पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे। किसका नंबर है? हेलो, डर नहीं लगता तुम्हें? इतना कुछ करने के बाद सुकून से नींद कैसे आती है? रॉन्ग नंबर। ऋषभ लूथरा। ऋषभ लूथरा की पत्नी होने का दावा करती हो ना? मेरा मतलब दिखावा करती हो ना तुम? मुझे सब पता है, कैसे तुमने और पृथ्वी ने मिलकर ऋषभ लूथरा पर ड्रग्स का केस कर दिया और दुबई की जेल में डाल दिया। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब बोल के मुझे डरा दोगे तो तुम गलत हो। डरा नहीं रहा हूं, सच बोल रहा हूं। अगर यकीन नहीं होता है तो कल हेजलवुड होटल के रूम नंबर 201 में आकर पता लगा लेना। तुम्हें सब पता चल जाएगा कि मुझे सब पता है। उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि मैं चाहता क्या हूं। डर गई, देखा कैसे डर गई? एक बार इंसान डर जाता है ना तो उसकी हिम्मत भी बहुत जल्दी टूट जाती है। अब देखना, इसकी हिम्मत टूट जाएगी और ये ऋषभ जी के बारे में इंफॉर्मेशन भी देगी और कन्फेशन भी देगी। अरे अगर इसका कन्फेशन नहीं भी मिला ना तो हम इसकी बातें रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपने उससे पैसे क्यों नहीं मांगे? आप कल के लिए पैसे मांग लेते, क्या ना टाइम बच जाता। अभी हमें दो दो बार होटल जाना पड़ेगा, एक उससे मिलने के लिए, दूसरा उससे पैसे लेने के लिए। टाइम तो वेस्ट होना ही था। तुझे लगता है कि मैं अभी पैसे मांगती तो ये कल तक अरेंज कर पाती? बिल्कुल नहीं। अभी एक बार कल आने दो, उसे यकीन होने दो कि हमें एक्चुअली में उसके और पृथ्वी की साजिश के बारे में पता है जो उन्होंने ऋषभ जी के अगेंस्ट करी है। उसके बाद और भी ज्यादा डर जाएगी और पूरी तरह से पैसों का अरेंजमेंट करने में जुट जाएगी। और फिर जब पैसे नहीं मिलेंगे ना, फिर वो सारा सच उगलेगी, तुम देखना। अच्छा चलो, कल के लिए हमें बहुत कुछ अरेंज करना है, प्लान करना है, वो करते हैं। चलिए सर, वो जो उस दिन क्रिकेटर आया था ड्रिंक एंड ड्राइव वाला, उसका कुछ नया अपडेट आया क्या? नई इन्फॉर्मेशन? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुम लोगों को बस अपना न्यूज़पेपर बेचने के लिए माल मसाला चाहिए होता, कुछ भी लिख देते हो बड़ा चढ़ा कर, बिना ये सोचे समझे कि तुम्हारे लिखे हुए शब्दों का क्या इम्पैक्ट होगा किसी और की लाइफ पर। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। ये सब क्या है? इसने नताशा को किडनैप करने की कोशिश की, उसे वेयर हाउस में रखा, इसलिए पकड़ के यहाँ लेकर आया हूँ। जस्ट अरेस्ट। हाँ सर। तुमने नताशा को किडनैप किया? तुमने नताशा को किडनैप किया? लड़की को किडनैप करता है, मालूम है क्या सजा होती है? इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी अनजान लड़की का किडनैप नहीं किया है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। बात करनी थी, इससे बात नहीं कर रही थी तो जबरदस्ती उठा के लेके आया। और आज जब सुबह मैंने न्यूज पर पढ़ा तो कि इसकी शादी करण लूथरा से हो रही है, तो मेरे भी दिमाग से सटक गई, वो मेरी गर्लफ्रेंड किसी और की कैसे हो सकती है? लेकिन ये बहुत पहले की बात है करण, अब तुम जब वेयर हाउस में आए उसके बाद मैंने उसका चेहरा देखा, और जब तक मैंने उसका चेहरा देखा तब तक बहुत लेट हो चुका था। मैं तुमको क्या बताती सर, अब आप ही बताओ, अगर इसको मुझसे बात करनी थी तो ये मुझे कॉल करता, घर आता, मेरी बहन शर्लिन को कोई एसएमएस कर देता, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, सीधा मुझे किडनैप कर लिया। भला ऐसा कोई करता है क्या? और करण, ये आदमी ना बिल्कुल दिमाग से पैदल है, बिल्कुल पागल है। ये पहले भी मुझे बहुत मारता था और आज भी, देखो इसकी वजह से मैंने कितने चोट खाए। करण देखो, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो सेफ फील नहीं कर रही हूं। मुझे प्लीज यहां से लेके चलो, मैं नहीं पहचानती इस आदमी को। इंस्पेक्टर आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये बात मुझे अभी पता चली एक्चुअली। लेकिन इसने इसे मारा भी और किडनैप भी किया। जस्ट अरेस्ट है, लेकर जाओ इसे। क्या बोल रहे हैं? इसको किडनैप करता है। थैंक यू इंस्पेक्टर। नताशा, नताशा, व्हाट? ये कैसे हो सकता है? अरे ऐसे ही हुआ है, वो आदमी ने मुझे फोन करके ब्लैकमेल किया है। वो कह रहा है कि उसके पास हमारे खिलाफ कोई प्रूफ है। कैसी बातें कर रहे हो यार, कॉमन सेंस।
आजकल हजारों कॉल आते हैं, कोई बोलता है आपको फ्लैट चाहिए क्या, कोई बोलता है आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या। उसी तरह ये ब्लैक मिरर, उसको पैसे कमाने होंगे फ्री फंड में, तो गलती से तुम्हारा नंबर कॉल कर दिया और ऐसे ही बोल दिया होगा, ऐसे ही बोल दिया होगा कि सुनो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ ना प्रूफ है, मुझे इतने पैसे चाहिए, ऐसे ही ब्लैकमेल कर दिया होगा। कैसी बात, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या पूरी दुनिया को पता है क्या हम लोगों के साथ बुरा करते हैं, उनकी जिंदगी खराब करने पे तुले? कि कोई भी मुझे आके फोन करे और बोले कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसके पास प्रूफ है, उसने कहा कि कल आके वो प्रूफ देख लेना। प्रूफ है, ये भी हो सकता है कि हम जो कॉफी डेट पे जाते हैं किसी कॉफी हाउस में, उसने हमारी बातें सुन ली होगी, क्योंकि हम हमेशा किस बारे में बात करते बताओ, लोगों को बर्बाद करने की प्लानिंग चल रही होती ना हमारी, हो सकता है आसपास वाली टेबल से उसने हमारी बात सुन ली हो और उसने उसी चीज का फायदा उठा के तुम्हें कॉल करके ब्लैकमेल कर दिया हो कि मुझे इतने पैसे चाहिए। वरना जब प्रूफ ना, तुम्हारा ये कहना है कि उसके पास प्रूफ है, उसे कॉल करो और उसे कहो कि मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे प्रूफ देखना, जब तक मैं प्रूफ नहीं देखूंगी तब तक एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। देखो प्रूफ उसके पास, तुम वो प्रूफ देखो और मेरे पास ले आओ, मैं उस प्रूफ को देखूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि हमें उस इंसान से डरने की जरूरत है भी या नहीं। हेलो, मैं अकेले कहीं भी नहीं जा रही हूँ, कैसे मतलब ही इंसान हो, तुम भी मेरे साथ चलोगे होटल के अंदर? नहीं मतलब होटल में अंदर चलना लेकिन मेरे साथ मत बैठना, लेकिन मैं अकेली कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे वहां पर। मिस लूथरा, करण लूथरा ने अभी अनाउंसमेंट किया कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं, क्या ये सच है? क्या राय है आपकी इस पे? आखिर क्यों वो आपको डिवोर्स देना चाहते हैं? एक मिनट, तो आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि करण लूथरा ने अनाउंस किया है कि वो दूसरी शादी कर रहा है, तो मेरा क्या कहना है? वैसे किससे शादी कर रहे हैं? क्यों, आपको नहीं पता क्या? सबको तो पता है, उनका नाम है नताशा। नो कमेंट्स। तुमने अभी तक इन जर्नलिस्ट को जवाब नहीं दिया, तुम मुझे जवाब दो ना दो, अगर मुझे दोबारा इनका फोन आया तो मैं जवाब दे दूंगी। करण चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो। मॉम, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। क्या हुआ मॉम? करण तू मुझे पता, तू आखिर चाहता क्या है? मॉम क्या बोल रहा, ये प्रीता कुछ भी बोलती रहती है गुस्से में आके। मैं प्रीता के बारे में बात नहीं कर रही, मैं तेरे बारे में बात कर रही हूँ, तू क्या चाहता है मुझे सच्चाई बता दे। देख अगर तू नताशा के साथ शादी करने की सोच रहा है ना, तो बहुत गलत कर रहा है तू। तू ऑलरेडी शादीशुदा है, दूसरी शादी कैसे कर सकता है करण? और मैं ये नहीं कहूंगी कि नताशा अच्छी है या बुरी है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि प्रीता तेरे लिए बहुत सही है, तूने उसके साथ शादी की है तो ये रिश्ता निभा। हाँ मॉम, ये आप कह रही मुझसे कि प्रीता इस घर के लिए सही है, प्रीता मेरे लिए सही है, आप कह रही हैं? हाँ मैं कह रही हूँ। क्या गलत किया उसने? ओ क्या नहीं किया उसने, शुरू से कहती है कि इस घर में पैसों के लिए आई है, हमारे लिए नहीं। आप सबको नौकर बना के रखा, क्या कुछ नहीं करवाया आप सबसे, और मुझे मुझ पे भी रूल किया, मैं कब उठूंगा, कब जागूंगा, कब क्या खाऊंगा, कब कहाँ जाऊंगा, सब उसने डिसाइड किया, और आप कह रही क्या नहीं किया उसने। वाह, तो क्या गलत किया उसने? प्रीता के पहले ये सब कुछ ऋषभ करता था ना, तब तो तुझे गलत नहीं लगा, आज प्रीता कर रही है और तुझे बुरा लग रहा है क्योंकि तेरी पत्नी है। यहाँ तू गलत है, ऋषभ के हाथ में बिजनेस था, पूरी फैमिली संभालता था ऋषभ, तब तुझे कुछ गलत नहीं लगा? तू जो इनकम कमा के इस घर में ले आता था एडवर्टाइजमेंट से, क्रिकेट मैचेस से, वो तेरी इनकम भी संभालता था, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे वो पैसों को यूटिलाइज करना है, सब कुछ ऋषभ करता था, तब तुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन आज बुरा लग रहा है क्योंकि तेरी पत्नी वो सब हैंडल कर रही है। इसलिए कहती हूँ पुत्र, तेरी सोच खराब है। और तू ये जो पैसों की बात कर रहा है ना कि प्रीता बार बार कहती है कि वो इस घर में पैसों के लिए आई है, हाँ मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मैं जानती हूँ वो लड़की इस घर में पैसों के लिए नहीं आई है करण। अगर उसके इरादे गलत होते ना, तो कोई भी लड़की पहले लूथरा खानदान के पैसे लेकर अपने मैके वालों को देती। तू लूथरा इंडस्ट्रीज का टर्नओवर जानता है ना, करोड़ में है,
अगर वो चाहती तो अपने मैके वालों को पैसे देके अपलिफ्ट कर लेती, लेकिन नहीं, प्रीता ने ऐसा नहीं किया। आज भी उसके घर वाले उसी मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पे पहले थे। वो भी एक जवान लड़की है, क्या उसने कभी अपने लिए एक छोटी सी अंगूठी खरीदी? आजकल के बच्चे तो डायमंड्स के पीछे पागल होते हैं। क्या प्रीता ने अपने लिए कभी ज्वेलरी खरीदी, डायमंड सेट खरीदा? कभी नहीं। एक चीज की, वो है हमारे परिवार के बारे में हमेशा अच्छा सोचा। और तू जो ये नौकरों वाली बात कर रहा है ना, वो हम नौकर तब थे जब पृथ्वी इस घर पे राज किया करता था। तू वो दिन भूल गया जब पृथ्वी पहले खाना खाया करता था और हम वहां खड़े खड़े देखते थे? जब वो अपना खाना खत्म करता तब हम बैठते खाना खाने, नौकर तो हम तब। लेकिन प्रीता के आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया। उसने हमें हमारा अपना मान सम्मान सब कुछ लौटाया। आज हम सब एक साथ एक टेबल पे बैठ के लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ करते हैं। किसके लिए? प्रीता के लिए ना। आज वो ये सब कुछ संभाल रही है। शायद तू भी नहीं संभाल सकता पुत्र। महेश जी को बेसमेंट से ऊपर कौन ले आया? प्रीता ले आई। नर्स चेंज हो गई, महेश जी की दवाइयां चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। किसके लिए? प्रीता के लिए। और रही तेरी करियर की बात, तो ये तो साबित हो ही गया ना कोर्ट में कि प्रीता ने तेरे करियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया। जो कुछ भी किया वो इंसान ही कोई और था। तू बाहर आ गया ना, बस इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। मेरे में प्रीता का कोई हाथ नहीं। तो क्या बात हो गई पुत्र? प्रीता कोई भगवान तो नहीं है ना? उसने कोशिश की लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। सो व्हाट पुत्र, जिंदगी में इंसान बहुत कोशिश करता है, बहुत कुछ करने की चाह रखता है, काफी कुछ कर लेता है, लेकिन कभी कभी कुछ बातें छूट जाती है। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि वो इंसान गलत है, उसकी कोशिश गलत है। तू बाहर आ गया जेल से, सबसे बड़ी खुशी की बात वही है। और प्रीता ने कोशिश की, क्या इतनी सी बात काफी नहीं है? आप प्रीता की इतनी साइड क्यों ले रहे हो? करण पुत्र, मैं प्रीता की साइड नहीं ले रही, जो सच है बस वही बोल रही हूँ। तेरी माँ हूँ, तुझसे ज्यादा जिंदगी का तजुर्बा मुझे है। तूने समुद्र की लहरें तो देखी है ना, कभी कभी कितनी कठोर लहरें उठती हैं और कभी कभी समुद्र एकदम शांत होता है। ये प्रकृति का नियम है। जिंदगी के रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं पुत्र, उतार चढ़ाव तो होते ही रहता है। उसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि अगर कोई किस्सा हो गया, कुछ भूल चूक हो गई तो रिश्ता ही तोड़ दो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। शादी की है तो निभाना भी सीखो। प्रीता से प्यार करते हो ना, तो रिश्ता निभा ले। इस बार अगर प्रीता से कोई भूल हो भी गई तो माफ कर दियो उसे। लेकिन अगर तूने नताशा से शादी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हंस रहा है तू? मैं यहाँ सीरियस कोई बात कर रही हूँ और तू हंस रहा है? आप गुस्से में हो तो प्रीता गुस्से में है। आप इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैं नताशा के साथ शादी कर रहा हूँ। प्रीता इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो नताशा को लेकर इनसिक्योर है। यस, इनसिक्योर है वो। प्रीता नहीं चाहती, आज भी नहीं चाहती कि मैं किसी और लड़की के बारे में सोचूं भी। इस बात को लेकर इनसिक्योर है कि मैं कहीं नताशा से वाकई में शादी ना कर लूँ। हजार शिकायतें की उसने, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि नताशा का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, अपने दिमाग से निकाल दो। पता है क्यों? क्योंकि आज भी मैं उसके लिए मैटर करता हूँ। तू कहना क्या चाहता है? कहना नहीं चाहता, करना चाहता हूँ। क्या? जब से प्रीता इस घर में आई है ना, सिर्फ पैसा 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 कर रही है। मैं चाहता हूँ कि उसके दिमाग से पैसों का फितूर निकल जाए और ये पैसों को छोड़ के ना वो मेरे प्यार को पकड़े। कहीं पैसों के चक्कर में ये प्यार ना छूट जाए। जितना वो इनसिक्योर हो रही है ना, मुझे लगता है शायद यही एक तरीका है मेरे पास उसको वापस लाने के लिए। मुझे लगता है कि प्रीता इस वजह से मेरे पास वापस आ जाएगी, मुझे मेरी पहली वाली प्रीता मिल जाएगी, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। दी, मैं क्या बोल रही हूँ, आप एक बार करण जीजू को सब कुछ सच सच बता दो ना यार। एक बार उनको सारी बातें पता चल जाएंगी तो क्या पता वो आपकी बात समझेंगे। और एक बार उनको ये पता चल गया कि आप पहली वाली प्रीता हैं, एक बार उनको ये पता चल गया कि आप आज भी उनसे बहुत प्यार करती हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ मतलब नहीं होगा। और ये जो बताशा के साथ करण जीजू जो कर रहे हैं ना, वो भी करना बंद कर देंगे। तुझे क्या लगता है? मैंने अभी तक करण से ये बातें की, करण जब लॉकअप में था तो मैंने उसे बता दिया था कि मैं इस घर में उसके लिए आई हूँ, इस परिवार के लिए आई हूँ। बता दिया? जी हाँ। तो क्या फर्क पड़ गया?
करण ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मुझे वहां से जाने के लिए कहा था, तो अब क्या यकीन कर लेगा? इसलिए जो कुछ भी कर रहा हूँ उसे वापस पाने के लिए कर रहा हूँ, दैट्स इट। क्योंकि ये सब कुछ जो मैंने कहा ना, नताशा के साथ शादी, प्रीता के साथ डिवोर्स, झूठ है। अगर सच्चा तो सिर्फ एक चीज, हमारा प्यार। प्यार में किसी को यकीन दिलाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, विश्वास दिलाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा करना पड़ रहा है तो ये क्या प्यार हुआ? तो तेरे कहने का ये मतलब है कि तू ये जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ एक ड्रामा है? मैं आज भी वही कर रहा हूँ माँ, और मेरे लिए प्रीता भी वही प्रीता है। हम प्यार भी एक बार करते हैं, शादी भी एक बार करते हैं, राइट? और मैं प्रीता से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता।